ब्रज 84 कोस की इस यात्रा पे हम निकल पड़े हैं अब अपने दूसरे पड़ाव विमल कुंड की तरफ। अगर आपने पहली वाली वीडियो नहीं देखी तो उसको जाके ज़रूर देखें। तो मैं आपको विमल कुंड के बारे में बताना चाहूँगा। विमल कुंड नाम कैसे पड़ा, उसके पीछे भगवान कृष्ण की एक बहुत बड़ी लीला है। जब श्री कृष्ण के साथ रासलीला खेलते हुए राजा विमल की पुत्रियों को प्रेमपूर्ण आंसू आए तो उससे एक कुंड बन गया जिसका नाम विमल कुंड पड़ा। भविष्य पुराण के अनुसार श्री कृष्ण के साथ रहने की राजा विमल की पुत्रियों की प्रबल इच्छा थी, इस स्थान पर पूरी हुई और इसलिए इस जगह को विमल कुंड भी कहा जाता है। जबकि आदि वरह पुराण में कहा गया है कि विमल कुंड में स्नान करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं, इसे तीर्थराज भी कहा जाता है। विमल कुंड में दुर्वासा मुनि ने अपने 60,000 शिष्यों के साथ स्नान किया था। यह सर्वविदित है कि दुर्वासा और पांडव यहाँ निवास करते थे। आ चुके हैं हम विमल कुंड पे। आधे घंटे की हमारी बाइक राइड से डिस्टेंस था अराउंड 11 किलोमीटर का, जो कि काफ़ी ठीक रोड है। नहर किनारे आप जो है ऊंचा गांव से यहाँ पे विमल कुंड आ सकते हो। विमल कुंड अब हम आ चुके हैं, आपको काफ़ी हिस्ट्री यहाँ की बताने वाले हैं, काफ़ी इंटरेस्टिंग आपको ये वीडियो आगे लगने वाली है। और पहले भी मैं 1-1.5 साल पहले यहाँ आया था, वाली वीडियोज में पिन कर दूँगा, आप देख पाओगे। उस समय भी जो है काफ़ी भव्य हमें दर्शन मिले थे भगवान के, और यहाँ पर भी जो है सौभाग्य मिला कि विमल कुंड के दर्शन कर पाए। हम यहाँ का इतिहास, प्राचीन इतिहास जो कि बहुत ही भव्य है, उसको भी जानने को मिला, आपको इस वीडियो में भी हम आगे बताने वाले हैं। कामन गांव से 2 फरलाग दूर दक्षिण पश्चिम कोण में प्रसिद्ध विमल कुंड स्थित है। कुंड के चारों ओर क्रमश दाऊजी, सूर्यदेव, लीलकंठेश्वर महादेव, गोवर्धन नाथ, श्री मदन मोहन एवं काम्य विहारी, श्री विमल विहारी, श्री विमला देवी, श्री मुरली मनोहर, श्री भगवत गंगा एवं श्री गोपाल जी विराजमान हैं। अभी हम चल रहे हैं विमल कुंड के परिक्रमा मार्ग में, छोटी सी परिक्रमा है, ज़्यादा लंबा डिस्टेंस नहीं है, वहाँ से करके फिर हम आगे की तरफ बढ़ेंगे। और रास्ते में मैं आपको बता दूं, काफ़ी सारे छोटे छोटे मंदिर पड़ते हैं। भगवान जगन्नाथ का मंदिर अभी आपने देखा, भगवान शनिदेव का मंदिर देखा, छोटे छोटे। जैसे हमारे अभी देव बाबू ने बहुत अच्छी बात नोटिस करी कि इन्होंने बोला भैया यहाँ पे हर कॉर्नर पे जो है भोले बाबा का छोटा छोटा शिवलिंग देखने को मिल रहा है, तो आपको भी काफ़ी भव्य दर्शन यहाँ मिल रहे होंगे। तो आप लोग चाहो तो यहाँ पे जो है छोटी सी थोड़ी सी हिस्ट्री दे रखी है, आप चाहो तो उसको भी पढ़ सकते हो।